बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सपना है, मैं आपको सलाम करती हूँ। मैं हिंदू की घर की हूँ। मेरा आदमी मुसलमान है, मोहम्मद हामिद कुरैशी। मैं ये सवाल पूछता हूँ जे पुरखों से ये जात भेद का चल रहा है, तो ये हिंदू मुसलमान आप बोलते हो जे हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है, एक है, मैं मानती हूँ। मगर ये बात है, जो हिंदू बच्चा होते हैं तो हिंदू का सलामी दिया जाता है, जो मुस्लिम बच्चा होता है उसको मुस्लिम सलामी देता है, जब भी उसका कान में नमाज दिया जाता है। और जब भी हिंदू का बच्चा होता है उसका नाम दिया जाता है, कृष्ण नाम दिया जाता है या राम नाम दिया जाता है, जो भी दिया जाता है, जिसको जैसा शिक्षा देता है उसको वैसे ही शिक्षा मिलता है। जैसा हमें सिखाया गया बचपन से भगवान को मानना है, हम भगवान को मानते हैं, हम मुसलमान धर्म को भी मानते हैं, ऐसा नहीं मानते नहीं, हमें जैसा शिक्षा दिया गया वैसे ही शिक्षा में मैं मानता हूँ। मगर आप बोलते हो जो मुसलमान ही होएगा हिंदू नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो पुरखों इतनी बुरे लोग थे, इतनी जानते है, तो आपके साथ तो बहस लड़ नहीं सकते, आप बहुत जानते हो, तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। हमारे बाप दादा सब मतलब इन्होंने देख के आया, ये हमने भी देखा है, हम हिंदू की हूँ, मगर जो बड़ा बुजुर्ग होता है उसको सम्मान कर सकते हो। बहन का सवाल है और मुझसे बहस नहीं करना चाहती है, मैं भी आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। कर नहीं सकते कैसे, हमें उतना शिक्षा नहीं है, उतना बोल नहीं सकते है ना। बहन का सवाल है कि मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एक है, लेकिन जो हिंदू खानदान में पैदा होता है उसे हिंदू शिक्षा दी जाती, जो मुसलमान खानदान में पैदा होता है मुस्लिम की शिक्षा दी जाती, तो ये कैसा कह सकते है कि मुस्लिम सही और हिंदू गलत, ये क्या है? बहन आप कहते कि आपकी शिक्षा कम है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 2 + 2 कितनी होती है? 2 + 2 कितना होता है? 2 + 2 कितना होता है? 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। माशाल्लाह, तो ये मत कहो कि आपको शिक्षा नहीं है। अगर गांव से कोई आती है लड़की और कहती है कि मेरे वालिद ने मुझे सिखाया 2 + 2 = 5, तो आप क्या कहेंगे उससे? 4 + 5 कैसे होगा? तेरे वालिद को मैथमेटिक्स नहीं आती थी? नहीं, मेरे वालिद ने तो सिखाया, उन्हें कहेंगी अच्छा ठीक है 2 + 2 = 4 भी, 2 + 2 = 5 भी। ये कहना गलत है, दोनों में से तहकीक करने पड़ेगा कौन सा सही है, उसके ऊपर अमल करें। नहीं नहीं, मैं क्या चाहती हूँ, हिंदू भी सही मुस्लिम भी सही, 2 + 2 = 4 भी सही, 2 + 2 = 5 भी सही। आप तो माशाल्लाह बहुत विद्वान है, आप जानते 2 + 2 = 4 है, कितने लोग नहीं जानते 2 + 2 = 4 है, वो कहते 5 है। तो क्योंकि खुदा ने आपको इल्म दिया, अकल दिए, आपका फर्ज है कि आप उनसे कहे बहन जी 2 + 2 = 5 नहीं, 2 + 2 = 4 है। फिर वो कहेंगे अच्छा अच्छा दोनों सही, तो आप बोलेंगे नहीं दोनों सही नहीं, 2 + 2 = 4 ही है, 5 गलत है। उसी तरीके से अगर किसी के वालदे ने उसे गलत सिखाया क्या बुत परस्ती करना, जब हिंदू मजहबी किताब में कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है, तो जिसके पास इल्म है, मैं तालिब इल्म हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मुझे जब इल्म है मैं जरूर कहूंगा लोग से जो गलत कह रहे हैं कि सही चीज को फॉलो करो। मेरे डिस्कशन भी होते, मैं आपसे नहीं बहस करता हूं, लेकिन जो विद्वान लोग हैं हिंदू मजहब के, क्रिश्चियन मजहब के, ईसाई मजहब से, उसे कहते डायलॉग। मैं स्टूडेंट, वो PhD डॉक्टर, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, धार्मिक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, डायलॉग करता हूँ, डिबेट करता हूँ। अगर मैं गलत, मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूँ। आप मुझे साबित करो कि जो मैं कह रहा हूँ गलत है, कि मेरा मजहब गलत है, मैं आपके मजहब को कबूल करने को तैयार हूँ। ओपन चैलेंज। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मजाहिब का तालिब इल्म हूँ। 19 साल तक के मैं भी मेरे वालिद थे, इसलिए मैं भी मुस्लिम था। 19 साल के बाद जब तहकीक करने लगा, पता चला कि मैं सही मजहब में हूँ, और फिर दीगर मजाहिब का मुताला किया कि हर मजहब में अच्छी बातें हैं। हर मजहब में बदलने के बाद भी, उस मजहबी किताब में बदलाव आने के बाद, करप्शन आने के बावजूद भी सही चीज लिखा है कि ईश्वर एक है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। इसके मतलब हमारी जो बड़ी बुजुर्ग है, जैसा आप लोग शिक्षा देते हैं हम लोगों को, ऐसा हमारी जो बड़ी बुजुर्ग शिक्षा देता है वो गलत है। काफी चीज सही है, काफी चीज गलत है। मैं आपके बड़े से बड़े गुरु के साथ भी डिबेट किया हूँ, डिबेट डायलॉग। एक आपका हिंदुस्तान का बहुत माना हुआ श्री श्री रविशंकर के बारे में सुने आपने? श्री श्री रविशंकर सुने? ये लोग
ये लोग जैसे आपने किताब पढ़ के जानते हो, ये लोग भी किताब पढ़ के जानते हो। ओरिजिनल में किसने देखा? बिल्कुल सही। वो कहता है कि 4 साल से मैं भगवत गीता मुंह जबानी जानता हूँ, भगवत गीता का एक भी हवाला नहीं दिया। ऐसा नहीं है, ईश्वर ऐसे नहीं आते। अपने किताब पुण्य किया कहते हैं, इस जन्म का बोल सकते हैं, कितनी जन्म का कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूँ कि आपके जो विद्वान बड़े से बड़े है, जो PhD, उनसे कहता हूँ आओ हम डिस्कस करें हिंदुइज्म में क्या लिखा है। अगर वो इस्लाम को नहीं जानते, इस्लाम को बाजू रखो। मैं साबित करूंगा आपकी किताब से, आपकी किताब के जरिए कि खुदा एक है। मैंने इतने हवाले दिया। मैं पूछता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो कहना चाहिए, जाकिर ये गलत है, तुम्हारे मानी गलत है। मैं कहता हूँ कि आपकी किताब कहती है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 और श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, और प्रतिमा की मानी है अक्स। उस खुदा, उस ईश्वर, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? मूर्ति नहीं पूजा करेगा तो ईश्वर तो रख सकते, जैसे शिक्षा दिया गया है, किताब में लिखा गया है। अगर शिक्षा मूर्ति पूजा नहीं दे करेगा, इसकी मतलब जो मूर्ति पूजा ही करो, मूर्ता को देखो, गीता में महाभारत में मूर्ति नहीं है, वो पढ़ो। लेकिन आप उसमें भी तो शिक्षा है, वो कान में दो। आप मूर्ति पूजा करते हैं क्या बहन? मैं करती हूँ, वैसे नहीं करता, नहीं मगर गलत करती हूँ, मगर वो बात नहीं बोल रही। अगर आपकी सहेली कह रही है 2 + 2 = 5 तो आप उसको सुधारेंगे कि नहीं? हाँ, सुधारना तो आप। हाँ, मैं भी चाहूंगा कि मैं आपको हिदायत दूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मूर्ति पूजा कुरान में लिखा गलत है उसको बाजू रखो। आप कुरान में नहीं मानती, आपकी धार्मिक किताब में लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, मैं हवाला दे रहा हूँ। हाँ, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? मगर ईश्वर को बुलाना, जैसे उनको शिक्षा दिया गया जी, इस धर्म को ऐसा बुलाया जाए, ईश्वर को ही बुलाया जाता है। एक एक चीज पे डिस्कस करें फिर दूसरी चीज पे जाए। मेरा पहला सवाल है, मूर्ति पूजा जब गलत है तो क्यों करती है आप? बुत परस्ती क्यों करती है? अभी उन पुरखों ने वो ऐसा स्वीकार किया है, आज की तो बात नहीं, हमने मना कर दिया, चलो हमने नहीं कर रहा। मगर ये पुरखो जब भी जमाना से करके आ रहा है, ये लोग तो नहीं बोलेगा जैसे हम नहीं करेंगे, वो तो नहीं कर सकते ना। अगर रुमाने से देहात में सिखाया जा रहा है 2 + 2 = 5 तो आप उसको मानेंगे? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है, मैं मानूंगा? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है, मैं पूछता हूँ दुनिया क्या है आज? दुनिया चपटी है क्या? दुनिया गोल है? गोल है, गोल है। माशाल्लाह, आप तो विद्वान है, आप तो जानती है। तो अगर मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है तो क्या करूँ मैं, उनकी बात को मानू क्या, छोड़ दूँ? तो उस टाइम क्या जमाना चलता नहीं था? बिल्कुल सही, आज का जमाना है। आप उस टाइम बल्कि अच्छा जमाना था, अभी का जो जमाना है ना उस टाइम बल्कि अच्छा था, नीक था। पहले अभी नीक नहीं है। पहले ऐसे प्रचार नहीं होते थे जहाँ करोड़ लोग एक साथ में देख सकते थे, आज के प्रचार में यहाँ लाखों लोग जमा है, लाखों लोग के साथ साथ टेलीविजन पे करोड़ लोग देखते, तो आपको कोई बहाना नहीं मिलेगा। करोड़ लोग के सामने आपको कहा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी आप करेंगी तो आपको कोई बहाना नहीं रहेगा। बाकी मूर्ति पूजा गलत है, मगर मैं एक धर्म के बारे में बोला जो उनमें जो लिखा गया आपकी कुरान शरीफ में, जैसे लिखा गया हमारे गीता महाभारत में लिखा गया, मगर वो पढ़ना तो गुनाह नहीं है ना। मैंने कब बोला कि गीता, मैं भी गीता पढ़ता हूँ, मैंने कब कहा कि गीता पढ़ना गलत है? मैं भी गीता पढ़ता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं यहूदी किताब भी पढ़ता हूँ, वेद भी पढ़ता हूँ। आपने कितना पढ़ा मुझे पता नहीं। मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। मैं लेकिन पढ़ा हूँ। हाँ, आप इसीलिए मैं पहले ही बोला आपके साथ बैर नहीं लड़ सकती, आपकी बराबरी करना भी मेरा काम नहीं है। हाँ, तो मैं आपसे बैर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इल्तिजा कर रहा हूँ। मगर मैं बोल रहा हूँ हमारे पुरखो ये जो करके आया तो ये क्या गलत है? इसीलिए मेरे पुरखो कहते थे कि जमीन चपटी है, दुनिया चपटी है, तो मानू मैं पुरखो की बात? मैं पुरखो की इज्जत करूंगा, मेरे बड़े थे, मेरे बाप दादा थे, इज्जत करना जरूरी नहीं कि उनकी बात को मानना। अगर मेरे पुरखे कहते थे 2 + 2 = 5 तो क्या मानू? मैं कहूंगा मैं अदब से पेश आऊंगा, मैं उनको गाली नहीं दूंगा, मैं उनकी इज्जत नहीं निकालूंगा, प्यार से आऊंगा, लेकिन कहूंगा कि आप गलत है। अगर नहीं भी कहूंगा तो कम अज कम मेरी जिंदगी में उसके ऊपर अमल नहीं करूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी धार्मिक किताब कहती है, आपकी शोहर की किताब, आप शोहर से शादी किए ना, लव मैरिज था? हाँ। सही था क्या गलत था अलग बात है, लेकिन जब आप अपनी शोहर से इतनी मोहब्बत करती है, शोहर आपसे मोहब्बत करते क्या नहीं? हाँ। करते ना? मैं भी मेरी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं मेरी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं मेरी बेटियों से भी मोहब्बत करता हूँ, जिक्र और रुजदा से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके शोहर आपसे मोहब्बत करते, वो नहीं चाहते कि आप जन्नत में जाए? नहीं। आप चाहते कि आपके शोहर जन्नत में जाए क्या नहीं? जाए क्या नहीं? तो मैं पूछता हूँ कि अगर एक गाड़ी है, एक गाड़ी जब चलती है, एक पहिया है साइकिल का, दूसरा पहिया ट्रैक्टर का, गाड़ी चलेगी क्या? नहीं।
नहीं चलेंगी ना, नहीं चलेंगी, इम्बैलेंस। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कौन सा टायर सही है। चारों टायर अगर लगा देंगे साइकिल के तो बन जाएंगे हाथ गाड़ी, अगर ट्रक के टायर तो बन जाएगा ट्रक। तो हमें ये देखना, तहकीक करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आंख बंद करके आप अपनी शोहर की बात को मानो। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन जहन जहीन होना जरूरी है। हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी अनपढ़ थे लेकिन सबसे जहीन थे। तो मैं आपसे पूछता हूं, जब साफ तौर पे आपकी किताबों में, हिंदू मजहब की किताब में और कुरान में लिखा है, आपके पुरखे अगर गलत चीज कहते थे तो आपको गलत चीज पे अमल करना जरूरी है? नहीं। तो आप क्यों नहीं बुतपरस्ती छोड़ते? आप कहते आप शोर से मोहब्बत करते हैं, करते हैं क्या? नहीं, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। ये ऊपरी मोहब्बत है, सही मोहब्बत होगी तो मैं चाहूंगा कि इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरी बीवी मेरे साथ हो। आप नहीं चाहेंगे आपके शोर आपके साथ हो क्या? नहीं। हाँ। तो आप ये नहीं तहकीक करेंगे कौन सही आपका शोर क्या? आप नहीं, वो मानते हो मेरा शोर क्या है, मगर उनका भी मानते हो, मगर ये मूर्ति पूजा इसका छोड़ सकते हो, मगर मेरा धर्म का जो नाम है वो तो कान में लेना मैं जरूर। धर्म का नाम की बात कर रहे हैं आप? हाँ। नाम की? नाम से मैं भी हिंदू हूँ। क्या हूँ? हिंदू। हिंदू का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले को कहते हिंदू। हिंदू। हाँ। ये लफ्ज सबसे पहले वजूद में कैसे आया? जब अरब लोग हिंदुस्तान में आए तो उनने ये लफ्ज हिंदू दिया, हिमालय के हिंद से और सिंधु के दू से कुछ लोग कहते। इसीलिए आज जब मैं जाता हूँ गल्फ कंट्री में, सऊदी अरब में, कहते हिंदी है, जाकिर हिंदी है। तो लफ्जी मानी से मैं हिंदू हूँ, इट्स अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। जो हिंदुस्तान में रहता है उसे कहते हैं हिंदू। ये मजहबी डेफिनेशन है, ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। मैं हिंदुस्तानी हूँ, लफ्ज के डेफिनेशन से मैं हूँ हिंदू। लेकिन अगर आप कहेंगे धार्मिक हिंदू जो बुद्ध परस्ती करता है तो मैं वो हिंदू नहीं हूँ। आपने कहा कि आप भी बुद्ध परस्ती नहीं करेंगे तो वैसे आप भी हिंदू नहीं है, लेकिन आप लफ्ज को पकड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप हिंदू रह सकते। मैं भी हिंदू, मैं मुसलमान हिंदू हूँ, ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। आप समझ रहे? आप बहुत जहीन है माशाल्लाह। बहुत से लोग प्रोफेसर होते और समझते नहीं, आप कहते हैं कि आप अनपढ़ और समझ रहे माशाल्लाह। तो ऐसे इल्म का क्या फ़ायदा जो आपको खुदा की तरफ नहीं लेके जाए? कल मेरी तकरीर थी, तालीम दोनों जहाँ के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को हिंदू कहती है क्योंकि आप हिंदुस्तान में, तो मैं भी अपने आप को हिंदू कहता हूं। आप बुद्ध परस्ती को छोड़ दो क्योंकि आपके हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा हराम में, तो आप बुद्ध परस्ती को छोड़ने तैयार है? तैयार है माशाल्लाह। मानते हैं खुदाई के? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। माशाल्लाह, उसका मतलब मुस्लिम है? हाँ। आदमी के पास आएगा तो मुस्लिम ही है जी। आदमी मुसलमान होएगा तो औरत-जात मुसलमान ही होता है, औरत-जात का कोई जाता। आदमी है तो मुसलमान है, कभी कभी जरूरी नहीं उल्टा भी होता है, जो औरत है वो आदमी बन जाता है। क्योंकि एक मैं कहूंगा सही है क्या पता नहीं, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज है। तो प्यार अंधा भी होता है। मेरी उर्दू इतनी महान नहीं है, तो शेख फैजुर रहमान मुझ पर ऐसा ही है, मैंने कौन सा शेर कह दिया ऐसा। सब शेयर पब्लिक के लिए नहीं होते। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने शादी तो की, मोहब्बत तो की, लेकिन अमल में आप अगर बुत परस्ती को छोड़ने तैयार है, एक खुदा को मानने तैयार है, और मानने को तैयार है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप अपने आप को मुस्लिम कह सकती है। हाँ, मैं मुस्लिम तो हूँ माशाल्लाह। तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं, मेरे को कभी कोई किया ही नहीं माशाल्लाह। कितने साल पहले आपकी शादी हुई? मेरे को अभी 8-9 साल हो गया। 9 साल हो गए, आपके शोहर ने जबरदस्ती नहीं किया। सही क्या है गलत क्या बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आप अपने दिल से कबूल करना चाहती है इस्लाम? हाँ। आप पे कोई भी दबाव नहीं? नहीं। आप दिल से करना चाहती? इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वा अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु वरसुलहु। मैं शहादत देती हूँ के अल्लाह के इलावा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम उसके
उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं, बंदे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह आप 9 साल के बाद अब मुसलमान हो चुकी है। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस्लाम का इल्म हासिल करो, कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। आपकी ये शहादत ने मेरी कल की तकरीर को मुकम्मल किया है। मैं कह रहा था तालीम दोनों जहाँ के लिए, वो तालीम आप PhD करो, टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, लेकिन आपके रब के करीब नहीं लेके आएंगे, आपके खालिक के करीब नहीं लेके आएगा वो तालीम, तो फायदा क्या है। तो आप उस प्रोफेसर से बेहतर है जो उसका तालीम उसको रब की तरफ नहीं लेके आ रहा है। मैं आपको शाबाशी देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको इस जहाँ और आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत दे। आपको सलाम, आपके जितने भी मुस्लिम भाई है उसको भी मेरा सलाम।